हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी का मॉपअप राउंड काउंसलिंग के बारे में, जिसका कि सीट मैट्रिक्स आप भी देख चुके होंगे, एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि क्या है सीट मैट्रिक्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमेशा की तरह नए अपडेट अब तक पहुँचे जल्दी। एडमिशन और एडमिशन के लिए यदि आप सर्विस लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7047542127, या फिर प्रीमियम सर्विस भी ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है आपका सीट मैट्रिक्स। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे होंगे वो आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे है। कितने सीट है एनआरआई की, कितने हैं मैनेजमेंट कोटे की, और पेड सीट कितने हैं, और आपका जो क्या है आपके सीटें, सारे जानकारी ले सकते हैं। तो गीता के आप देखिए क्या है, जो विशाखापट्टनम में है, इसमें टोटल 23 सीट है। एनआरआई कोटे का इसमें 23 सीट है, यानी कि मैनेजमेंट कोटा पेड सीट का भी 23 है और एनआरआई का भी 23 सीट है। और बात करते हैं हम जो हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, तो इसमें आपको 3 सीट है, और आपको इसमें आपको जो हैंडीकैप का है वो भी जो है से 1 सीट है, और मुस्लिम माइनॉरिटी हैंडीकैप का 1 सीट है। और बात करते हैं एसबी के, जो सुमानदीप में जो है मेडिकल कॉलेज, जैन माइनॉरिटी कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, इसमें जैन माइनॉरिटी कॉलेज में 4 सीट बचे हैं, मैनेजमेंट कोटे की 6 सीट बचे हैं, और साथ में एनआरआई कोटे की 10 सीट है। तो इस तरीके से आपका है सारे शेड्यूल। के एस हेगड़े की आपको बात करें तो मैनेजमेंट कोटे की, यानी कि नॉर्मल सीट या पेमेंट सीट है, वो है आपका 12 सीट है, एनआरआई कोटे की 2 सीट है। वही बात करते हैं जेएसएस मेडिकल कॉलेज जगतगुरु का, कर्नाटका का, तो उसमें जो आपको पेड सीट है मैनेजमेंट कोटे की, वह 5 सीट, और एनआरआई कोटे की 12 सीट है। तो इस तरीके से है यहाँ पे आपका, खुद से आप देख सकते हैं क्या है सीट मैट्रिक्स, कितने सीट वैकेंट है, क्या है वैकेंसी, और आप सारे जानकारी ले सकते हैं बीडीएस से लेके एमबीबीएस के। आप एमसीसीए के ऑफिशियल साइट पे जाकर विजिट करें, और यदि आप लोग को काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो जितना जल्दी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और उन स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में, जिनका कि मार्क्स बहुत कम है, यानी कि 107 से लेके 134 या फिर इससे ज़्यादा है, या 150 नंबर है, या 150 से कम है, या 200 नंबर है, 200 से कम है, तो उन स्टूडेंट को भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन उनको क्या होगा, बजट थोड़ा हाई रहेगा। जिनका कि स्कोर कम है, नीट मार्क्स कम है, उनको बजट हाई रहेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।